नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैनली की तरफ से कार के लिए मोबाइल सिगरेट लाइटर विद सॉकेट। दोस्तों, इसके माध्यम से आप अपने मोबाइल चार्जर को, जो कि कार के लिए सिगरेट मोबाइल चार्जर होता है, उसको इसमें लगाकर मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने अपनी कार में एक एक्स्ट्रा बैटरी फिट की है और उसके लिए मुझे ये सॉकेट चाहिए था, जिसके माध्यम से मैं अपना एडिशनल लाइट और पंखा अपनी कार में लगा पाऊँ और बिना कार की मेन बैटरी को डिस्चार्ज करे मैं एडिशनल बैटरी से उसको यूज़ कर पाऊँ। इसके लिए दोस्तों, मैंने स्टैनली का ये कार सिगरेट लाइटर मंगाया था। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्वालिटी किस तरीके की है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमारा स्टैनली का कार सिगरेट लाइटर। ये दोस्तों, शायद मैंने 155 या 145 रुपये खरीदा था, मैं एग्जैक्ट भूल गया हूँ। अंदर से बिल निकलेगा, उसमें देख लेंगे। दोस्तों, अब इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह का दोस्तों हमें मटेरियल देखने के लिए मिलता है, क्या क्वालिटी है कार सिगरेट लाइटर की, खरीदना चाहिए नहीं देखना, सारी की सारी चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम इसका बिल देख लेते हैं। ये दोस्तों बिल आ गया है, इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमें पड़ा है 148 रुपये का। ये 148 रुपये लिख रहे हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 148 रुपये का हमें पड़ गया। और दोस्तों, इस तरह का दोस्तों ये आता है स्टैनली ऑटो लाइटर 12 वोल्ट। ये दोस्तों इस तरह का दोस्तों इसकी इमेज होती है। अब दोस्तों निकाल लेते हैं, अंदर से क्या निकल के आता देख लेते हैं। ये दोस्तों इस तरह का दोस्तों हमें ये पीस देखने के लिए मिलता है। दोस्तों इस तरह का होता है, और दोस्तों ये दोस्तों अलग से होता है। इसके माध्यम से दोस्तों आप अगर अपनी सिगरेट जलाना चाहते हैं तो दोस्तों इसको आपको अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट करके इसको दोस्तों इस तरह दबाना है और दोस्तों गर्म हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप इसे सिगरेट जला सकते हैं। दोस्तों इसका काम ये होता है। अब दोस्तों हम इसका देख लेते हैं और क्या हमें देखने के लिए मिलता है। ये अंदर एक तार सा पड़ा है, इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये दोस्तों इस तरह का इसमें तार देखने के लिए मिलता है, और दोस्तों बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये जो आप लाल तार देख रहे हैं, ये दोस्तों प्लस में लगाने के लिए, सेंटर में लगाने के लिए दोस्तों मिलता है इस तरह। अब दोस्तों इसको इस तरह लगा सकते हैं सेंटर में, ये प्लस का तार है। और दोस्तों इसको आप बैटरी में लगा सकते हैं, और यहाँ पे दोस्तों आपको माइनस का तार जोड़ना होता है अपनी बैटरी का, ताकि आप इसको यूज़ कर पाएँ। तो इसकी क्वालिटी की बात करेंगे, क्वालिटी दोस्तों इसकी बहुत बढ़िया है। ये दोस्तों ऐसा लग रहा है ये दोस्तों पीतल का बना हुआ है, और दोस्तों यहाँ जो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीतल लगा हुआ है। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये दोस्तों पूरा लोहे का बना हुआ है, ये पूरा लोहा है, स्टील है। और इसकी दोस्तों क्वालिटी ओवरऑल बहुत बढ़िया है, अंदर से भी आप देख सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। अब दोस्तों हम इसको यूज़ करके देख लेंगे किस तरह हम इसको कनेक्ट करेंगे, इसके कनेक्शन देख लेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों हम इसको भी देख लेंगे कि इससे सिगरेट किस प्रकार जलाई जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी हम सेटिंग करते हैं अपनी गाड़ी में। ये दोस्तों मेरी जो एडिशनल बैटरी है उससे कनेक्शन लेके दोस्तों मैंने ये प्लस का तार उस बैटरी के प्लस में लगा दिया, और दोस्तों ये माइनस का तार उस बैटरी के माइनस में लगा दिया। अब दोस्तों मैं इन प्लस माइनस के तार को इस सिगरेट लाइटर के प्लस माइनस के तार में लगा दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, सेंटर वाला जिसमें तार लगेगा वो प्लस का तार होता है, और दोस्तों साइड वाला जो तार होता है माइनस का होता है। इसलिए दोस्तों अब हम प्लस माइनस को प्लस माइनस के साथ कनेक्ट कर देंगे इसको चालू करने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये दोस्तों एडिशनल कनेक्शन के लिए मैंने एक वायर लगाया है। अब दोस्तों हम अपने इस तार से, जो कि बैटरी से आ रहा है, उसके साथ दोस्तों एक एडिशनल तार को जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमें एक एडिशनली लाइट को कनेक्शन देना है, जो कि 12 वोल्ट के लाइट है, और वो हमारी एडिशनल बैटरी के साथ चलेगी। इसके लिए दोस्तों हमने एक एडिशनल तार को अपने बैटरी से आए हुए तार के साथ जोड़ लिया है, ताकि उसका कनेक्शन भी हमारी एडिशनल बैटरी के साथ हो जाए। अब दोस्तों हम उस बैटरी से आए हुए प्लस तार को अपने इस स्टैनली के कार सिगरेट लाइटर के साथ जोड़ लेंगे। क्योंकि दोस्तों इस तरह जोड़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम स्टैनली के कार सिगरेट लाइटर के साथ आए हुए इस अगले भाग को दोस्तों काट लेंगे। काटने के बाद दोस्तों हम सिंपली उसके जो कॉपर की वायर होते हैं, जैसे हम सिंपली देसी तरीके से जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ लेंगे। पहले दोस्तों हम निकाल के देखते हैं। ये दोस्तों निकलना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो रहा है, निकल नहीं पा रहा है, इसलिए दोस्तों अब इसको हम
प्लस से काट लेंगे और फिर हम इसको छीलकर इसको अपनी बैटरी के प्लस तार के साथ जोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने इसको प्लायर से काट लिया। काटने के बाद दोस्तों अब इसके मैं कॉपर के तार को इस तरह छील रहा हूँ। ये दोस्तों कॉपर के तार हमारे बाहर निकल आए हैं। अब दोस्तों इसमें हम अपनी बैटरी के प्लस तार को जोड़ देंगे और फिर इसको हम स्टेनली के कार सिगरेट लाइटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। पहले अब दोस्तों हम स्टेनली के कार सिगरेट लाइटर के साथ इस तार के नोब को कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसके साथ दोस्तों हम अपनी बैटरी से आए हुए प्लस के तार को व जो हमने एडिशनल तार लगाया है उन दोनों को दोस्तों इसके प्लस के पॉइंट के साथ जोड़ लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने स्टेनली के कार सिगरेट लाइटर के साथ बैटरी का प्लस का वायर इस तरह जोड़ दिया है। अब दोस्तों हम इसको पूरी तरह टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए दोस्तों हमने प्लस का प्रयोग करना है ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। ये दोस्तों हमने प्लस से पूरी तरह इसको टाइट कर दिया है क्योंकि दोस्तों इसको आपको कभी भी लूज़ नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप इन सब कनेक्शंस को लूज़ रखते हैं तो इसकी वजह से कार में कई बार स्पार्क की वजह से आग लग जाती है, इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना है। अब दोस्तों मैं बैटरी के माइनस तार को स्टेनली के कार सिगरेट लाइटर के माइनस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लूँगा। ये आप देख सकते हैं ये माइनस पॉइंट है जो साइड में होता है। अब इसमें दोस्तों मैं बैटरी के माइनस तार को जोड़ रहा हूँ और मैंने माइनस तार में जो एडिशनल मैंने तार जोड़ा है बल्ब के लिए उसको भी दोस्तों लगा दिया है। दोनों तारों को दोस्तों मैं इसके जो होल हैं इसमें डालकर जोड़ लूँगा और उनको टाइट कर दूँगा। चूँकि दोस्तों तार थोड़ा मोटा है और ये छेद है थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है घुसना, लेकिन हम फाइनली इसको घुसेड़ देंगे। थोड़ा सा इसको घुमा घुमा के हम पतला कर लेंगे। हमने पतला कर लिया, अब दोस्तों इसको हम अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इसको भी दोस्तों हमें अच्छे से टाइट कर देना है, बहुत ज़्यादा टाइट करना है ताकि बिल्कुल भी लूज़ ना रहे, क्योंकि लूज़ रहने से स्पार्क की वजह से कई बार गाड़ी में आग लग जाती है। अब दोस्तों हमने इसको अच्छे से फिट कर लिया और दोस्तों हम इसको टाइट कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे दोनों के दोनों तार खुले हैं, इस वजह से टच होने से स्पार्क हो रहा है जो कि बैटरी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसके लिए दोस्तों अब हम इस तार में पहले आइसोलेशन टेप लगा लेंगे जो कि बिजली की टेप होती है, जो कि मार्केट में आपको ईजिली 10 रुपये की मिल जाती है। दोस्तों इस टेप का ही आपको प्रयोग करना है क्योंकि आइसोलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए। अगर आपका आइसोलेशन अच्छे से नहीं है तो ये आइसोलेशन का अच्छे से ना होना आपकी कार के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और इसी की वजह से स्पार्क होता है और फिर गाड़ी में आग लग जाती है। ये आप देख सकते हैं मैंने आइसोलेशन टेप से इसको अच्छे से कवर कर लिया है। और दोस्तों अब हम चूँकि माइनस का तार तो जोड़ ही चुके हैं, अब उसको भी दोस्तों हम टेप लगा के उसको भी कवर कर लेंगे। दोस्तों माइनस के तार के ऊपर भी अब हम आइसोलेशन टेप लगा देते हैं ताकि तार आपस में टच ना हो और हमारा जो कार सिगरेट लाइटर है वो बिल्कुल सेफ रहे, साथ ही साथ हमारी गाड़ी भी सेफ रहे। इसके लिए दोस्तों मैंने आइसोलेशन टेप को इसके माइनस पॉइंट के पास भी लगा लिया है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों माइनस पॉइंट मैंने टेप के माध्यम से कवर करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं मेरे प्लस और माइनस दोनों जगहों पर मैंने आइसोलेशन टेप लगा दी है और इसको अच्छे से सेफ एंड सिक्योर बना दिया है। चूँकि हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, ये दोस्तों लाइटर होता है इसको क्या करते हैं, जब दोस्तों इसके अंदर आप लगाएंगे तो दोस्तों आपको इसको इस तरह दबाना है। ये देखिए जब दोस्तों आप इसको जो कि दोस्तों इसके साथ इस तरह लगा हुआ आता है, इसको दोस्तों जब आप इसके अंदर लगाएंगे, लगाने के बाद दोस्तों आपको इस तरह दबाना है। ये हिस्सा दोस्तों बाहर आता है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों कॉइल्स होती हैं, ये कॉइल्स दोस्तों गर्म हो जाती हैं और फिर इसको गर्म होने के बाद इससे आप सिगरेट जला सकते हैं। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ दोस्तों किस तरह से इस प्रोसीजर को आपको करना है। ये दोस्तों हमारा सिगरेट लाइटर पॉइंट है, इसको दोस्तों
अब दोस्तों हम इस लाइटर को इसमें लगाते हैं और दोस्तों हम इसको इस तरह दबाते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लाल हो चुका है। अब दोस्तों आप इससे सिगरेट जला सकते हैं। दोस्तों ये एक तरीका था सिगरेट जलाने का इसके माध्यम से। दोस्तों इसको यूज़ करने के बाद आपको हमेशा इसको अलग निकाल के रख देना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो सकता है और आपकी बैटरी को भी डैमेज कर सकता है। इसलिए जब आप इसको यूज़ कर लें दोस्तों इसको अलग निकाल के रख दें और फिर इसके माध्यम से दोस्तों आप अपना पंखा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो जला सकते हैं। तो अभी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह करना है। अब दोस्तों हम इस सिगरेट लाइटर पॉइंट से जो कि सॉकेट है इसके माध्यम से दोस्तों अब हम अपने इस फ़ैन को चलाएंगे जो कि दोस्तों कार फैन है और 12 वोल्ट डीसी का दोस्तों ये फ़ैन है और देखते हैं दोस्तों इससे चलता है नहीं चलता है। इसके लिए दोस्तों अब हम इसके जो ये पॉइंट है जिससे इसको फैन को पावर दी जाएगी इसको दोस्तों हम इसके साथ लगा देते हैं। ये दोस्तों मैंने लगा दिया, ये दोस्तों लग गया, लगते आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा फ़ैन चलना शुरू हो गया है। इसकी आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं आपको दोस्तों इसको बंद करके दिखा देता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छे से फ़ैन चल रहा है। ये दोस्तों बंद कर देता हूँ, ये दोस्तों बंद हो गया। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चीज़ को और ध्यान रखना है, आपको हमेशा इस सिगरेट पॉइंट को पूरा का पूरा आइसोलेशन टेप से कवर कर देना है ताकि स्पार्क का बिल्कुल खतरा ना रहे। आप देख सकते हैं दोस्तों मैं अपने इस सिगरेट लाइटर पॉइंट को ब्लैक टेप से कवर कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों गाड़ी में अक्सर हम अपने परिवार के साथ चलते हैं इसलिए दोस्तों हमें रिस्क देना नहीं चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको अपनी कार में अगर स्टे करना है और आप उसके लिए ये सोच रहे हैं कि अगर मैं अपनी गाड़ी में यार स्टे करूँगा तो रात भर अपनी गाड़ी का फ़ैन यूज़ करूँगा तो मेरी बैटरी ड्रेन हो जाएगी फिर मेरी कार स्टार्ट कैसे होगी, इसके लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके माध्यम से आप अपनी कार में एडिशनल बैटरी फिट कर सकते हैं। उसकी पूरी की पूरी फिटिंग मैंने समझाई है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने उस एडिशनल बैटरी को चार्ज कैसे करना है वो सब कुछ अपने वीडियो में समझाया है और पूरे के पूरे कनेक्शन विद डिटेल समझाए हैं। साथ ही साथ किस प्रकार उसके कनेक्शन अपने फैन को देने हैं, किस प्रकार दोस्तों लाइट वगैरह कनेक्ट करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें दोस्तों मैंने अपने उन वीडियोस में बताया है। इसके लिए दोस्तों आपको मेरी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना होगा और मेरी चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको एक कार एडिशनल वर्क करके एक फोल्डर मिलेगा उसको दोस्तों आपको खोलना है। वहाँ पे दोस्तों आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने सारी की सारी चीज़ें विद डिटेल्स में बताई हुई हैं जिनके माध्यम से आप अपनी कार गाड़ी में बिना किसी हेल्प के एडिशनल बैटरी लगा के ट्रैवल करने का जो आपका सपना है वो पूरा कर पाएंगे। मैं दोस्तों खुद इस तरह ही अब ट्रैवल करने वाला हूँ इसकी वीडियो दोस्तों मैं बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊँगा। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने पूरी की पूरी सिगरेट लाइटर पॉइंट को टेप से कवर कर दिया है ताकि किसी भी तरह का कोई रिस्क ना रहे क्योंकि दोस्तों गाड़ी में कभी भी रिस्क लेके नहीं चलना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ता है। इसलिए अब हम सारी की सारी सेटिंग कर चुके हैं और दोस्तों सिगरेट लाइटर पॉइंट को भी हमने अच्छे से टेप से कवर कर दिया है ताकि हम बिना किसी टेंशन के यात्रा कर सकें। इस प्रकार दोस्तों ये आप देख सकते हैं पूरा मैंने इसको टेप से कवर कर दिया है।
आपको दोस्तों सोचना नहीं है कि टेप लग जाएगी। दोस्तों 10 रुपये की टेप आती है, इससे मैंने अपनी पूरी की पूरी इस वीडियो को बना दिया जिसमें मैंने पूरी आपको फिटिंग करनी समझाई है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस सिगरेट लाइटर पॉइंट को पूरी तरीके से टेप से कवर कर दिया है। दोस्तों कार के अंदर एडिशनल एसेसरीज लगाने के अन्य वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल की कार एडिशनल वर्क की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे दे दिया है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट डे, जय हिंद।